नमस्कार दोस्तों, जैसे वेडिंग का सीज़न है, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज आए हम रेड कारपेट वसुंधरा इनक्लेव में गाजियाबाद में। इस साल का तो लगी डेकोरम है, और सबसे अच्छी बात इनका खाना दी बेस्ट है। आजकल क्या है कि खाना की बड़ी रेट बिड़ गई है, बहुत कम जगह है जहाँ खाना आपको अच्छा मिलता है, और बहुत वैरायटी है खाने में, जूसेस में बहुत वैरायटी है। अलग अलग तरह के जूसेस हैं, शेक हैं, आप अपनी चॉइस से इंजॉय कर सकते हैं, और फूड तो अल्टीमेट है। आहा, धुआंधार। ये मत हो ना जूते को रख दिए, जूते नहीं है ये, डेकोरेशन सेल है, ठीक है जी। और खाने का तो पूछो ही मत, खाने तो है, है, है कि जीव लपाटे ले जाए। ये सारे इंडियन फूड्स हैं, जिसमें है आपका पनीर का पनीर मखनी, बहुत ही शानदार, और मलाई कोफ्ता। मलाई कोफ्ता तो बहुत पुराना एक फूड आइटम है जिसे लोग बड़ा पसंद करते हैं। और हैदराबादी तड़का मशरूम, ये भी नई चीज़ आ गई है हैदराबादी के हिसाब से। पालक चना, तो पालक पनीर होती है, इसमें स्वीट कॉर्न डाले हुए हैं, इसका अलग ही फ्लेवर है। मिक्स वेज, मिक्स वेज, हो क्या रंग होता है, क्या रंग होता है। उसके बाद गोभी, गोभी तो धुआंधार है, क्या बात करें। बहुत ही अच्छा डेकोरम, जनता खाने का एंजॉय करते हुए, बहुत ही शानदार माहौल। और गोभी के साथ फिर दाल, दाल के बाद पुलाव। पुलाव मतलब चावल के अंदर कुछ भी डाल दो तो पुलाव हो जाते हैं। उसके बाद अचारी, काबुली, बिरयानी, बिरयानी मतलब कलर हो जाते हैं इसमें, अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं तो बिरयानी हो जाती है। उसके बाद वेज दम बिरयानी, ज़्यादातर बिरयानी का कल्चर मुसलमान हिंदुस्तान में लेके आए, तो ये अलग अलग तरह की बिरयानी होती है, ये सारी वेजिटेबल बिरयानी है। ये जीरा राइस, तो ज़्यादातर जीरा ज़्यादा है तो जीरा राइस से एक शानदार लुक। उसके बाद हींग धनिए का, ये आलू है चटपटे आलू, हींग जीरे का छोंक लगा हुआ है, चटपट आलू है। उसके पनीर, काली मिर्च, इसका अलग ही टेक्स्चर है, इसमें खोआ और मलाई के साथ बनता है, और ये आपका चटपटा पनीर, ये पनीर हो गया। इसी के साथ दाल तड़के वाली, दाल तो आप कहीं भी जाओ, पूरे देश में ट्रैवल करो तो आपको होटलों में सब जगह दाल तो मिलनी है, तो दाल ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, दाल तड़के वाली। फिर लोग फूड का एंजॉय करते हुए, इसके साथ अलग अलग तरह की रोटियाँ हमारे पास, इसे हम ब्रेड कहते हैं, मिसी रोटी है हमारे पास, परौंठा है, मैदे की रोटी है, और तवे की रोटी है, अपने टेस्ट के हिसाब से। ज़्यादा रोटी कौन सी खाते हैं लोग? मिक्स खाते हैं, मिक्सी खाते हैं। क्या नाम है आपका? आपका शुभ नाम? कमलेश। कमलेश, तो ये है इंडिया का कल्चर, जिसमें रोटियां भी बहुत तरह के अलग अलग फ्लेवर से हो जाते हैं, तो बाकी बहुत शानदार माहौल और डेकोरम और फूड बड़ा स्वाद है यहाँ का। मैं पूरी टीम को बधाई दूंगा कि इनका फूड बड़ा अच्छा है, ये पंजाबी कल्चर का टच आ गया। ये पंजाब में ज़्यादातर जो खाया जाता है, छोले हो गए, अमृतसरी छोले कुलचे के साथ, मक्की की रोटी, सरों का साग, ये सरसों का साग हो गया, और साथ में राजमा, और फिर पालक पनीर हो गया। कड़ी पकौड़ा भी पंजाब में खूब चलता है, तो ये तो बल्ले बल्ले कर रखी है पूरा जी, पूरा ही पंजाब का हो गया। कड़ी होगी, पालक पनीर हो गया, राजमा हो गया, सरसों का साग हो गया, ते अमृतसरी छोले कुलचे हो गए, ये तो पूरा धुआंधार प्रोग्राम हो गया। इसके साथ सफ़ेद चावल हो गए, आज सफ़ेद चलते हैं, ये छोले कुलचे में डलता सामान। इसके साथ आ गई रुमाली रोटी, आ गई आपकी, और काठी कबाब आ गया, इन दोनों का मिक्सचर है। ये मुगलई खाना है आमतौर पे, ये हिंदू कल्चर में नहीं था तो बाद में हिंदू कल्चर में ऐड हो गया, ये मुगलई खाना है। रुमाली रोटी, ये पाकिस्तान में लोग काफ़ी खाते हैं रुमाली रोटी, इंडिया में भी लोग खाते हैं आजकल बिहारों में। उसके साथ चाप के साथ रुमाली रोटी काफ़ी चलती है, तो ये माहौल है। इसी के साथ आ गया फिर चाइनीज़, अब चाइनीज़ यहाँ कम पसंद कर रहे हैं लोग, तो चाइनीज़ में आ गया आपके सेजवान फ्राइड राइस। सेजवान में थोड़ी मिर्ची लग तरह की होती है और थोड़ा सा फ्राइड होते हैं। इसके साथ आ गया आपका स्प्रिंग वेजिटेबल, और ये आ गया वेज इन ग्रीन थाई कड़ी, ये थाई कड़ी है। उसके बाद ये चाउमीन, ये आ गया, ये रूबी जी को बड़ा पसंद है मंचूरियन, ये मंचूरियन है, और ये नूडल्स आ गए, हक्का नूडल। तो हक्का नूडल और ये
मंचूरियन तो बहुत चलता है, बाज़ारों में मिलता है, पर ये थाई कड़ी कम चलती है यहाँ पे, और ये स्प्रिंग वेजिटेबल ये भी बाज़ारों में नहीं मिलती है, और सेजलैंड फ्राइज राइड ये तो बहुत चलते हैं। तो ये चाइनीज़ सेक्शन आ गया इस तरह से, चाइनीज़ में भी चार पाँच आइटमें होगी आपके पास। तो ये लोग सारे अलग अलग तरह के फूड इन्जॉय कर रहे हैं, पंजाबी भी है, चाइनीज़ भी है, कॉन्टीनेंटल भी है, मैं आपका जो खाने का मन है वो है। तो इसके साथ ये जूसेस के मिक्सचर कम्बिनेशन आ जाते हैं। अच्छा, इसके बाद मेन है इंडियन स्वीट, तो यहाँ के मीठे हैं, मीठे तो धुआंदार है जी। मीठे में ये केसर वाली जलेबी बहुत शानदार, पतली पतली जलेबी के ऊपर डालो रबड़ी, मज़ा आ जाता है, बहुत ही शानदार। क्या नाम है भाई साहब आपका? गणेश यादव। गणेश यादव जी, जलेबी बहुत खाते हैं लोग, ये चाइनीज़ वाला पूरा खाली पड़ा है, चाइनीज़ वाला माल नहीं खा रहे। जलेबी और रबड़ी तो बहुत पसंद है यहाँ पे, और साथ में मालपूड़े, केसर मालपूड़े, केसर मिला हुआ है इसके अंदर। इसके साथ ये मिठाइयाँ आ गई, सारी इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से सारी मिठाइयाँ हैं, कम से कम 20-25 मिठाइयाँ हैं, जिसे सबसे ज़्यादा लोग यही पसंद करते हैं मिठाइयों को, बल्कि बस। अच्छा, यहाँ पे यूपी के कुछ एरिया में कल्चर है कि शादी में सबसे पहले मिठाई खाएंगे, खाना बाद में खाएंगे, तो इसके बारे में बातचीत हुई कि क्या कल्चर है कि अगर मिठाई पहले ना खाई तो भूत चिपट जाएगा, बल्कि यहाँ रिवाज है कि मिठाई पहले खानी होती है। तो यहाँ पे अलग अलग तरह की मिठाइयाँ, तो उस पर एक नज़र मार लेते हैं जी, मिठाइयों पे। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ का खाना सारा बहुत ही स्वाद और स्वादिष्ट है। मिठाई मैं एक करके आपको दिखाता हूँ, ये है केसर रस मलाई, केसर रस मलाई। इसके बाद राजभोग, ये राजभोग के अंदर ड्राई फ्रूट होता है, इसे राजभोग कहते हैं, और ये केसर के फ्लेवर में होता है राजभोग। इसके साथ आ गया रसगुल्ला, ये बंगाली खाना है, बंगाल के लोग पसंद करते हैं, इसे दबाओ तो पूरा पानी निकल जाता है, तो रसगुल्ला आ गया। हाँ हाँ हाँ, मुँह में पानी आ रहा है रसगुल्ला देख के। तो ये है कोकोनट चना, ये नई मिठाई है, ये मैंने नहीं खाई कभी, ये पहली बार ट्राई करेंगे, कोकोनट चना वाला। इसके बाद आ गया ड्राई फ्रूट स्टफ मलाई रोल, ये भी नई मिठाई है, बहुत ही शानदार। ये है गुलाब का, गुलाब की खीर, इसमें गुलाब का फ्लेवर मिला हुआ है, गुलाब का, तो ये खीर है। इसके बाद आ गया मोहन बाग, ये चमचम का मॉडिफाइड वर्जन है, शायद केसर हो तो उसको मोहन बाग कहते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी मिठाइयाँ हैं और कितना शानदार स्वाद है, और लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। इसी के साथ आ गया पाइनएप्पल हलवा, ये भी कम चलता है वैसे, मिलता नहीं है, और ये बादाम का हलवा तो फेमस है, ये तो लोग घरों में भी बना के खाते हैं, बादाम का हलवा बहुत ही शानदार जानदार, सबसे ज़्यादा लोग इसे पसंद करते हैं। और ये मूंग का हलवा, बस ये तो लोगों की पहली पसंद है, ड्राई फ्रूट के साथ मूंग का हलवा। इसी के साथ रसगुल्ले, इसमें ड्राई फ्रूट होता है तो स्टफ़ गुलाब जामुन कहते हैं, गुलाब जामुन सॉरी। तो साथ में कुल्फ़ी, कुल्फ़ी के साथ आपके साथ ये बना रहे हैं माल, ये क्या बना रहे हो भाई साहब? पैनकेक। हमारे यहाँ जिसे मालपूड़ा कहते हैं अंग्रेजी में, उसे पैनकेक कहते हैं, उनमें मटेरियल सेम होता है, मैदा घी का होता है, उसके ऊपर आप कुछ भी चीज़ डाल दो, हनी डाल दो, ड्राई फ्रूट, चॉकलेट, चॉकलेट के टुकड़े डाल दो, और साथ में इसके आइसक्रीम। नॉर्मली शादियों में एक तरह की आइसक्रीम होती है, पर यहाँ पे 6 तरह की आइसक्रीम है, चॉकलेट है, पाइनएप्पल है, टूटी फ्रूटी है, बटर स्कॉच है, मैंगो है, और ये कौन सी भाई साहब, ये वाली कौन सी है? स्ट्रॉबेरी। 6 तरह की आइसक्रीम है, और बच्चों को आइसक्रीम पसंद है, गला ख़राब हो जाए पर आइसक्रीम खाएँगे हम, ठीक है जी, बच्चे मज़ा लेते हुए आइसक्रीम का। ओवरऑल लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा माहौल है। हमारी तरफ से त्यागी फैमिली को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, बहुत ही शानदार। मैं तो कोई टेबल नहीं है जो खाली हो, और पूरी फैमिली इन्जॉय कर रही है, पूरी त्यागी फैमिली इस प्रोग्राम को इन्जॉय कर रही है। और बाद में रूबी जी हम बिजी हैं इधर फंक्शन में, और त्यागी फैमिली पूरी इधर शूट हो रहा है। चलिए जी, बहुत ही अच्छा माहौल, बहुत ही चार्मिंग माहौल, सब लोग इंजॉय कर रहे हैं जी फंक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से, और खुशबू से पूरा महक रहा है ऑडिटोरियम गुलाब की खुशबू से। और पीछे त्यागी जी के फादर, तनिष के फादर सर,
तो ये पूरा प्रोग्राम आपके लिए लेके आए। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, और तनिक के प्रोग्राम पे त्यागी फैमिली की तरफ से सबको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।